जन सरोकार मंच द्वारा लगातार प्रसारित की जा रही श्रृंखला आज के सवाल के साथ हमारे साथ अजमेर से डॉक्टर चेतना उपाध्याय जुड़ रहे हैं। चेतना जी पिछले दो दशकों से लगातार साहित्य लेखन से जुड़ी हुई हैं और साहित्य लेखन ही नहीं सामाजिक सरोकारों से घर परिवार के न्यूक्लियर होते होते सारे जो नए डेवलपमेंट्स आ गए सोसाइटी में उनके प्रति भी चिंतित हैं। तो आज चेतना जी हमारे साथ हैं और उन्होंने जो विषय चुना है जो आज के सवाल हैं उसमें मुख्य बात यह है कि आज की हमारी जो युवा पीढ़ी है जो अलग थलग होती जा रही है हमारे सामाजिक सरोकारों से, हमारे संस्कारों से, हमारी संस्कृति से, ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे समाज के लिए। तो आज हम इनसे चेतना जी से इस विषय पर सुनना चाहेंगे कि वो अपने विचार किस तरह से इस समस्या को लेकर, इस सवाल को लेकर हमारे बीच आई हैं। चेतना जी आपका स्वागत है। जी नमस्कार सर, जन सरोकार मंच का बहुत बहुत धन्यवाद और सक्सेना जी का कि आपने मंच पर सीधे अपनी बात रखने को। नहीं नहीं, आप ही लोगों का मंच है। देखिए जिस विषय पर मैं अपनी बात रख रही हूँ वो एक ज्वलंत विषय है। अभी कई संस्थाएं ऐसी हैं जो इस विषय पर पुरजोर तरीके से काम कर रही हैं क्योंकि त्राही त्राही सारे समाज में मची हुई है और हमें दिखाई दे रहा है हम कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो कहाँ जा रही है और हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो हम सब बहुत परेशान हैं और लगातार इस तरह के प्रश्न उठ रहे हैं कि इन्हें कैसे जोड़ें, कैसे रोकें। तो मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे इस विषय पर ही बात करने का मौका मिला। तो आइए हम इस पर बात करते हैं कि ये विषय वर्तमान समस्या की जो ज्वलन समस्या क्यों बना। वो एक्चुअली क्या होता है कि जब शुभारंभ होता है तो हमारा ध्यान ही नहीं गया और जब इस समस्या से समाज बुरी तरह आहत होने लगा, हमारे व्यक्तिगत हितों पर कुठाराघात होने लगा, तब हमारा इस विषय की तरफ ध्यान गया और समस्या तब तक अपनी जड़ें भीतर तक पहुंचा चुकी। तो हमको इस समस्या का समाधान के लिए योजनाबद्ध प्रारूप में कुछ न कुछ क्रियाएं तो करनी ही पड़ेंगी और आगे बढ़ने के से पहले हमको ये जानना होगा ये होता क्यों। क्योंकि देखिए कोई भी क्रिया जब समस्या बनती है तो किसी न किसी कारणवश बनती है, तो हम पहले उन कारणों को जानने का प्रयास करें कि ये क्या कारण रहे जिनकी वजह से ये क्रिया हमारे लिए समस्या बन गई। तो तभी हम उसको पहचान करके और आगे बढ़ेंगे तो समाधान की दिशा में कुछ सार्थक कदम उठा पाएंगे। देखिए यहां मैंने महसूस किया कि हमारे जो माता पिता थे वो अपने माता पिता से दो कदम आगे चल ही रहे थे, फिर जब हमारा नंबर आया तो हम अपने माता पिता पुरानी पीढ़ी से चार कदम आगे चलने लगे और अब जो आगामी पीढ़ी आई है जो नियमानुसार हम सोच रहे थे कि 8 कदम आगे होगी पर वो एकदम से 10 कदम आगे पहुंच गई है। और देखिए हम जहां से शुरुआत हुए थे हम भी काफी आगे पहुंच चुके थे और 10 गुना गति से एकदम ये नवीन पीढ़ी आगे पहुंच गई तो तकलीफदायक स्थितियां तो दिखाई देने ही लगी। और देखिए प्रकृति का नियम है, सूर्य जो है पूर्व से उदय होता है। जी हाँ, सूर्योदय जब होता है तो वो पूर्व से होता है और वो अपनी तीव्र गति से आगे बढ़ता है और तीव्र गति से आगे बढ़ता हुआ सीधी दिशा में जब गमन करता है तो आगे फिर पश्चिम ही होता है, वहां उसका अस्ताचल उसका इंतजार कर रहा होता है और वहां जाकर बहुत तेज गति से एकदम अस्त हो जाया करता है। पर हाँ एक निश्चित समय क्रम के आधार पर पुनः निश्चित समय पर वही ऊर्जावान सूर्योदय की आभा को लिए हुए एक विश्वास के साथ कि सूर्योदय होगा पुनः होगा। तो ये जो चीज है यहां से मुझे प्रेरणा मिली
कि डरने की कोई बात नहीं है, हमें तो सिर्फ विश्वास रखना है कि प्रकृति का जो यह नियम है इसी आधार पर हमारी जो युवा पीढ़ी है तेज गति से आगे बढ़ते बढ़ते अस्ताचल की ओर पहुंच रही है। और कारणों पर यदि हम ध्यान केंद्रित करें तो निवारण रूपी सूर्योदय सुनिश्चित है। देखिए, विश्व में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहराने वाले हम भारतीय बरसों पहले मुगलों के आक्रमण से थोड़े आहत हुए थे और हमारी जो संस्कृति है बहुत विस्तृत थी, असीमित थी। मुगलकालीन आक्रमण के बाद हम अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, अपनी मर्यादाओं में सीमित रहने के लिए कुछ अपने आप को सीमित करते गए। तो वहां जो सांस्कृतिक मर्यादाओं ने हमें अपने आप को सीमित करने पर मजबूर किया था, हम सीमित हो गए। और अचानक ही धीरे से अंग्रेज व्यापारी हमारे भारत में प्रवेश कर गए और उन्होंने व्यापार के माध्यम से चारों ओर अपना शिकंजा कस लिया। उनकी जो संस्कृति थी, उनकी सांस्कृतिक विशेषता थी स्वतंत्रता। हर क्षेत्र में वो पूरी तरह से स्वतंत्र स्वच्छंद व्यवहार करते थे। तब हमें, हमारी जो आगामी पीढ़ी थी उसको अपने हीन होने का बोध हुआ। उसको ऐसे लगा कि हमारी संस्कृति तो बहुत सीमित है और ये अंग्रेज कितने असीमित है, कितने स्वतंत्र है। तो वो थोड़ी सी उधर आकर्षित हुई। इसका लाभ अंग्रेजों को मिला और उन्होंने हमें गुलामी की बेड़ियों में जकड़ लिया। उनकी जो स्वतंत्र शैली थी जीवन, उसके आगे हमेरी जो हीनता बोधक ग्रंथियां थी वो इतनी विकसित हो गई कि हम अपने आप को ही नहीं मान बैठे। तो हमने अपनी संस्कृति पर जो ध्यान देना था अपेक्षाकृत कहीं कुछ थोड़ा सा कम कर दिया, कमी आई उसमें। और इसका लाभ उठाना जो अंग्रेजों को बहुत आसान हो गया था। और फिर हमारे चारों तरफ एक दुष्चक्र सा निर्मित हो गया। धीरे धीरे अंग्रेज अपनी अंग्रेजियत के साथ हम पर हावी होते गए और हम मूक दर्शक बने, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से खिलवाड़ होते देखते रह गए। हमारी गंगा जमनी संस्कृति सर्वधर्म समभाव, हमारी गंगा जमनी संस्कृति सर्वधर्म समभाव, ये उसकी विशेषता है। इसके साथ आगे बढ़ने लगी, आगे बढ़ती गई, सब कुछ सहज था और दिखाई भी दे रहा था हमें, हम आगे बढ़ रहे हैं। हम काफी आगे बढ़ गए और इससे संबंधित जो नकारात्मकता है, तो नकारात्मक जो कर्कश ध्वनि होती है वो हमें उस वक्त नहीं दिखाई दी। देखिए, यह भी प्रकृति का नियम ही है, विज्ञान का सिद्धांत है कि जो प्रकाश की गति होती है वो बहुत तीव्र होती है अपेक्षाकृत ध्वनि के। तो प्रकाश की गति तीव्र होने की वजह से प्रकाश हमें तुरंत दिखाई दे जाता है और जो ध्वनि है उसकी गति अपेक्षाकृत कम होने की वजह से वो बाद में दिखाई देती है, बाद में सुनाई देती है। बस ऐसा ही रहा कि हम उस वक्त अपनी तीव्र गति को देखते रहे पर ये जो कर्कश नकारात्मक ध्वनि थी उस वक्त नहीं कानों में पड़ी, अब कानों में पड़ रही है जब वो हमें बहुत प्रभावित कर रही है, हम परेशान हो रहे हैं। तो पहला कारण तो ये रहा। दूसरा जो मैंने महसूस किया कि हमारी जो सांस्कृतिक विशेषता है लचीलापन, जी हाँ, लचीलापन हमारी संस्कृति की बहुत बहुत कोमल संवेदनशील विशेषता है और इसकी इस गुणात्मकता का हमने दोहन किया, इतना दोहन किया, दोहन करते 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 हम इतना आगे बढ़ गए कि हमारी जो सांस्कृतिक प्रत्यास्थता है वो जगह जगह से झोल खा गई, ढीली पड़ गई। और आप सभी जानते हैं रबर में ये प्रत्यास्थता का गुण हुआ करता है और उसको हम उतना ही खींचें जितनी की उसमें क्षमता है तो अपनी गुणवत्ता को बरकरार रखता है, मगर उसकी सीमा से अधिक यदि हमने खींच लिया तो उसकी जो गुणवत्ता है वो बरकरार नहीं रह पाती। बस यही हाल हमारी संस्कृति का हुआ।
कि उसके लचीलेपन के कारण और हमारी गलतियां कि हमने उसका दोहन अप्राकृतिक दोहन करने लगे थे, तो वो रसातल में चली गई। अब देखिए ना, वो रबर जो एक बार इतना खिंच जाए, जगह जगह उसमें झोल पड़ जाए, तो वो तो किसी काम का रहता ही नहीं है। अब यही चीज हमको अपनी युवा पीढ़ी में दिखाई देने लगी कि हमारी संस्कृति का तो ये हश्र हो रहा। तो हमको इसको पुनर्जीवित करना है समाज में, तो फिर योजनाबद्ध रूप में, चरणबद्ध प्रारूप में ही हमको फिर कुछ कार्य करना होगा, तभी अपनी ऊर्जावान पीढ़ी की जो संस्कृति के प्रति जो लगाव है उसको हम जोड़ पाएंगे, कुछ अपनी संस्कृति को पुनः उसी रूप में देखने का प्रयास कर पाएंगे जिसका स्वप्न हम लोगों ने, हम भारतीयों ने देखा है। तो कुछ न कुछ उपाय हमें करने पड़ेंगे कि वो लचीलापन की वजह से जो संस्कृति बेकार हुई थी उसमें कुछ भी हम करें, भौतिक रूप परिवर्तन करें या कुछ और उपाय कि वो जो लचीलापन है वो कठोरता में भी ना बदले, उसकी गुणवत्ता कायम रहे, पर अनुशासित सीमा जरूर उसके साथ हो, ये हमें ध्यान रखना होगा। अब देखिए, यदि हम थोड़ा सा और समय, थोड़ा सा पीछे की तरफ यदि कदम बढ़ाते हैं, तो हमने देखा कि हम धर्म, समाज, खानदान और परिवार को छोड़ निजी स्वार्थवश आत्मकेंद्रित होते जा रहे थे, काफी समय से चल रहा था, और यह प्रवृत्ति हमारी अब हमें आत्मघाती सी महसूस होने लगी है। अतः हमको अब इससे निजात पाकर समग्रता की ओर कदम बढ़ाने होंगे, तभी तो हम अपने परिवार और समाज और संस्कृति को बचा पाने के प्रयास में कामयाब हो पाएंगे। इसे हम अपनी युवा पीढ़ी में जो दोष देखने से आदत बन गई है हमारी, उससे पहले हमको स्वयं को देखना होगा कि हम अपने आप को सही सही वास्तविक रूप में देख पाए, परख पाए, हम उस पर कार्य करें। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम इसको ध्येय वाक्य बनाएं, हम ध्येय वाक्य बनाएं, इसे अमली जामा पहनाएं कि हम सुधरें स्वयं। जब इसको हम स्वयं अपनाएंगे, हम अपनी धर्म और संस्कृति से जुड़ेंगे, तो हमारी युवा पीढ़ी पुनः हमारी प्रभाव में आना प्रारंभ करेगी और हम उसे अपने धर्म, समाज और संस्कृति से पुनः जोड़ पाने में कामयाब हो पाएंगे। क्योंकि बस ये हकीकत है कि हम वर्तमान समय में अपनी पारंपरिक जो परंपराएं हैं उनको भी हम लोगों ने निरंतर नव रूप में गढ़ना शुरू कर दिया है, हम उनको भी गढ़ते गढ़ते बहुत आगे बढ़ गए हैं। मैं, मेरा परिवार और खानदान तो बहुत पीछे पहले ही छूट गए थे, और आज की जो स्थिति है कि जीवन साथी, बच्चे, उससे भी बहुत आगे पहुंच गया है। आज है हमारे व्यक्तिगत व्यक्तित्व की स्वतंत्रता जो बेहद खतरनाक हो गई है, मतलब आज हम अपने जीवन साथी के साथ भी सांस लेने को स्पेस चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा व्यक्तिगत अस्तित्व हो, वो हमें सांस लेने के लिए गुंजाइश हो, हमारा अपना एक ऐसा स्थान हो, मतलब जुड़ाव की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ज्यादा प्राथमिकता देने लगे हैं, तो फिर जुड़ाव कैसे होगा। देखिए, स्वतंत्रता आज की आवश्यकता बन गई है, हम लोग कई बार ये जो काउंसलिंग सेंटर्स पर जाते हैं जहाँ जीवन साथी के मध्य कुछ मतभेद दिखाई देते हैं, तो अक्सर करके ये चीज दिख जाती है कि भाई खुद भी जियो, उन्हें भी जीने दो, आपकी अपनी भी स्वतंत्रता है, उनकी स्वतंत्रता का भी ख्याल रखो, और हम एक दूसरे की स्वतंत्रता का पूरा पूरा ख्याल रखने लगे, हम इतने स्वतंत्र हो गए कि हमारे बीच में जो बंधन है वो हमें जोड़ के रख पाने में असफल हो गया, तो जो बहुत खतरनाक हो गया, और इसकी जड़ें बहुत बहुत नीचे तक हैं। और देखिए, पहले हम कहते थे हमारा बच्चा विवाह के बाद थोड़ा सा स्वतंत्रता की इच्छा रखता है, और आज की जो सीमा है, हम लोग नाइन्थ में बच्चा आया और फिर वो वाला कोचिंग सेंटर जहां से सबसे ज्यादा IAS RAS या एडवोकेट्स या
इंजीनियर्स या डॉक्टर्स निकल रहे हैं, हमारा बच्चा वही जाएगा। मतलब हम भी लालायित हैं हमारे बच्चों को वहां भेजने के लिए, और बच्चे भी लालायित हैं वहां जाकर उस स्वतंत्रता को भोगने के लिए, उस स्वतंत्रता को इंजॉय करने के लिए। तो दूरियां जो हैं पुनः बढ़ रही हैं, हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो जो धर्म और संस्कृति से हम बच्चों पर कह रहे हैं कि वो कैसे जुड़ेंगे, तो यहाँ जो समस्या आ रही है वो हमारी अपनी सोच की आ रही है, कि हमें अपनी जो सोच है उस पर कार्य करना पड़ेगा, हमें अपनी जड़ों पर कार्य करना पड़ेगा, उस पर कुछ उचित खाद हवा पानी ये देना होगा, तब जाके ही तो नव पुष्प सार्थक स्वरूप में पल्लवित हो पाएंगे। देखिए सर्वप्रथम यहाँ हमें अपने स्वयं के दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, ताकि हम सही और स्पष्ट रूप में उस समस्या को देख पाए, समझ पाए, क्योंकि अभी जिस रूप में हम देख रहे हैं वो शायद सही नहीं है। हम दोषारोपण सामने वाली पीढ़ी पर ही देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस की बात याद आ रही है। उन्होंने एक बार कहा था कि संसारियों के ज्ञान और सर्व त्यागियों के ज्ञान में बहुत बड़ा अंतर होता है। संसारियों का जो ज्ञान होता है वो दीपक के प्रकाश के समान होता है, उससे घर के भीतर उजाला हो जाता है। तो घर के भीतर परिवार और घर के काम जो वहां मौजूद हैं वो हमें दिखाई देते हैं, हमारी देह हमें दिखाई देती है, पर यदि घर से बाहर हम देखना चाहें तो वो प्रकाश इतना तीव्र नहीं होता कि वो हमें दिखाई दे सके। जब हमें बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो हम समझ नहीं पाते। और जो सर्व त्यागी होते हैं उनके ज्ञान का जो प्रकाश होता है वो सूर्य के प्रकाश के समान होता है, उससे पूरा समाज जो है वो रोशन होता है, वो प्रकाशित होता पाए। तो सूर्य का प्रकाश जहां होता है तब जाके हम सही सही स्पष्ट स्थितियों को देख पाने का सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हम जो सांसारिक प्राणी सामाजिक प्राणी हैं, दीपक बनने की सामर्थ्य रख पाते हैं। तो हम दीपक ही बने हैं, तो हमारी जो रोशनी सिर्फ अपने परिवार तक ही सीमित है। बाहरी बढ़ता हुआ जो अंधकार है वो प्रारंभिक दौर में हमें दिखाई ही नहीं दिया। जब हम नहीं देख पाए तो अंधकार इतना बढ़ गया कि उसने हमारे व्यक्तित्व को ही अपने कब्जे में ले लिया और हम दृष्टिभ्रम के शिकार हो गए। वो दृष्टिभ्रम को भी हमको बचाना है। इसी के परिणाम स्वरूप तो हमने ये जो नव पीढ़ी का जो वर्तमान स्वरूप है हमारे समक्ष अनुत्तरित सा आके खड़ा हो गया। अंधकार बहुत गहरा गया है, अतः हम अपनी सामान्य नेत्र ज्योति से उसको स्पष्ट तो नहीं देख पाएंगे। इसलिए यदि हमें सही और स्पष्ट देखना है तो हमें एक दिव्य ज्योति की आवश्यकता है, और यह दिव्य ज्योति ताकि हम हर चीज को स्पष्ट रूप में देख पाए, समझ पाए, महसूस कर पाए। मगर इसके लिए भी हमें बाहर कहीं नहीं देखना है। ये जो दिव्य ज्योति है हमें स्वयं को ही अपनी जगानी होगी, और ये तभी जग पाएगी जब हम स्वयं निजी स्वार्थ से कुछ ऊपर उठेंगे। जब हम निजी स्वार्थ से परमार्थ की ओर कदम उठाएंगे तब ही वो जो दिव्य ज्योति है हमारी जाग पाएगी। हम देह से अदेह की तरफ जब बढ़ेंगे तब स्वयं ही उस दिव्य ज्योति के दर्शन हो पाएंगे, जिसके प्रकाश में हम सही और उचित देख पाने का सामर्थ्य जुटा पाएंगे। वर्तमान समय में जो हम लोग आम मानव हैं, हम देह के जंगल में फंसे हुए हैं। हमको देह से परे कुछ दिखाई ही नहीं देता, हम सभी बस देह के चारों तरफ घूम रहे हैं। अरे भाई, प्रकृति में पाए जाने वाले सबस प्राणियों के पास देह है, एक मानव ही तो है जिसके पास देह में विराजित आत्मा को देखने की समझने की क्षमता है। उस क्षमता के होते हुए भी हम उसको देख ही नहीं कर रहे, मतलब किसी प्राणी के पास नहीं है, हमारे पास है, हम उसका प्रयोग नहीं कर रहे और फिर हम देह के पीछे घूम रहे, हम उससे ऊपर उठ ही नहीं रहे। तभी तो ये तीव्र भक्ति जो पीढ़ी है इतनी तेज भाग रही है,
रसातल की तरफ बढ़ रही है, हमको सही रूप में दिखाई नहीं दे पा रही। हमको यदि उसको रोकना है तो मात्र दिशा निर्देशन दे देने से वो नहीं रुक पाएगी। हमको पहले स्वयं को समझना होगा, तब स्वयं को समझकर हमको स्वयं पर काम करना पड़ेगा, तब जाकर हमारी कथनी और करनी समान हो पाएगी। और जब हमारी कथनी और करनी समान हो गई, तब जाके उसकी प्रभावशीलता का जो दबदबा है वो कायम हो पाएगा। आज हमारी कथनी और करनी में समानता नहीं है, इस वजह से हमारी जो कथनी है उसकी जो प्रभावशीलता है आगामी पीढ़ी पर नहीं दिखाई दे रही। यहाँ फिर आवश्यकता है सिर्फ एक सकारात्मकता की, कि हम अपने आप को थोड़ा सा सकारात्मकता भी जरूरी है, उसको भी हम बनाए रखें, क्योंकि सकारात्मकता ही तो है जो हमारी सफलता को सुनिश्चित करती है। सकारात्मकता की स्थिति में व्यक्ति मार्ग की प्रत्येक अड़चनों और जो बाधाएं हैं उनको भी पार करने का जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, उसको प्राप्त कर पाता है। और उसकी जो सफलता की एक प्रथम पायदान जो कहूं मैं, वो चढ़ पाता है। और तब जाकर उसके जो व्यक्तित्व की जो खूबियां हैं वो धीरे धीरे स्वयं भी प्रकट होने लगती हैं। वह धर्म, संस्कृति, संस्कार, सरोकार से जुड़ा रह पाता है। और जब वह स्वयं इन सब चीजों से जुड़ा रह पाता है तो उसके संपर्क में आने वाले अन्य व्यक्ति जो हैं, उसके आभा मंडल से प्रभावित हो धर्म, संस्कृति और सामाजिक सरोकारों से जुड़ाव महसूस करते हैं। और परिणाम स्वरूप परिवर्तन की जो बयार है स्वतः ही सूक्ष्म रूप में बहना प्रारंभ करते हैं। धर्म जो है, जिसको बार बार हम कह रहे हैं कि धर्म से दूर होती पीढ़ी, ये कोई अजूबा नहीं है, यह तो सत्य के खोज की एक यात्रा मात्र है, यह हमारी जीवन यात्रा का साधन मात्र है। धर्म तो वही होता है जिसे धारण किया जा सके, मतलब धारण करने योग्य जो क्रिया है उसी को हम धर्म कहते हैं। और वर्तमान पीढ़ी की जो समस्या है जो बहुत बड़ी है, कि हम छल, कपट, लूट पाट, स्वार्थ, आलस्य, भोग विलास, आमोद प्रमोद, झूठ मक्कारी को सबको धारण किए बगैर अपना चुके हैं, क्योंकि धारण करने योग्य तो था नहीं, हमने अपना लिया। हम खुल फुल फ्लैश मक्कारी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। पर यदि कोई पूछ ले कि आपने मक्कारी की, नहीं नहीं हम तो मक्कार कहां, आपने झूठ बोला, नहीं सवाल ही नहीं उठता, मैं तो कभी झूठ बोलता ही नहीं हूं, या मैं कभी झूठ बोलती ही नहीं हूं। मैं क्यों? क्योंकि हमें पता है वो मूल्य स्वीकार करने योग्य नहीं है, धारण करने योग्य नहीं है। तो जो धारण करने योग्य नहीं है तो धर्म कैसे हुआ? तो बस ये प्रमुख कारण रहा कि हम अपनी आगामी पीढ़ी को दूर होता हुआ महसूस करने लगे। जो हमने धारण कर रखा था वो धर्म के योग्य नहीं था, जो हमने धारण कर लिया, जो सामने चल दिखाई दे रहा है उसकी धारणा नहीं की, उसकी धारणा नहीं की, तो फिर क्या हुआ? प्रकटीकरण जो हो रहा था और जो हम कह रहे थे उसमें अंतर आने लगा। परिणाम स्वरूप फिर वही रहा कि समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी और बढ़ती हुई प्रतीत होने लगी। जो मैंने बात शुरू करना चाहा था, समय की मर्यादा थी, तो मैं अपनी बात को आज यही विराम देने का प्रयास कर रही हूँ। हालांकि ये विषय अभी पूर्ण नहीं हुआ है, हम अपने कदम बढ़ाना ही प्रारंभ किए थे कि समय की बाध्यता ने हमें रोक लिया। ठीक है, हम फिर मिलेंगे, इसी विषय को आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।